अब हम रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का और बात करते हैं वहां की सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने राजनीति की लक्ष्मण रेखा ही आज तो लांघ दी है। बीजेपी को उग्रवादी संगठन कह दिया है। बीजेपी को उग्रवादी संगठन कहते कहते वो सारी सीमाएं लांघ गई और बीजेपी ने उसके बाद करारा पलटवा लिया। देश के जिस राज्य में लोकतंत्र पेड़ पर टंगा है, जहां राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिस राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का तांडव दिखा, जिस राज्य में सरकार बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर आंख मूंदे हुए है, उस राज्य की सीएम अब देश को लोकतंत्र का सर्टिफिकेट बांट रही है। ये और कोई नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वैसे तो ममता बनर्जी अक्सर ही केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधती रहती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने राजनीति की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया है। আমরা মিলিটেন্ট অর্গানাইজেশন নই, বিজেপির মতো। ওদের একটা উদ্বক্ত বোধ আছে, উগ্রতা বোধ আছে, একটা ধর্মীয় বিদ্বেষ আছে। কাউকেই পছন্দ করে না, নাইদার মুসলিম নর খ্রিস্টান নর শিখ, আমি বুঝি না কাকে পছন্দ করে। হিন্দুদের মধ্যেও দলাদলি লাগিয়ে দিচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি কি এ বয়ানবাজি এসে হি নহি সামনে আই। ये पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के जलपाईगुड़ी में दिए उस बयान पर पलटवार था, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ने का हवाला देते हुए टीएमसी नेताओं के एनकाउंटर की धमकी दी थी। अब बीजेपी ममता के बयान पर सवाल उठा रही है। তো সেই জন্য দিদিমণি জানেন কারা টেরোরিস্ট, কারা কি করছে। সারা ভারতবর্ষের লোকে ইলেকশনে জেনে গেছে, বাংলার নাক কান কেটে গেছে তার জন্য। সেই জন্য এইসব কথা বলার কোনো অধিকার নেই ওনার। যদি মান সম্মান থাকে সামান্য কমপক্ষে, এখনো সময় আছে বাংলার সম্মান বাঁচানো। লেকিন মমতা কে নিশানে পর সিরফ বিজেপি নহি থি। মমতা কে বোল নে তো 2019 লোকসভা চুনাব কে লিয়ে মহাগঠবন্ধন বানানে কি কোশিশো কি হাওয়া নিকাল দি। উনহোনে বিজেপি কে সাথ সাথ কংগ্রেস আর সিপিএম কো সমাজ কে লিয়ে কলঙ্ক বাতায়া। ममता ने कांग्रेस के नियम और सिद्धांत पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता के बयान पर तो कांग्रेस खामोश है, लेकिन बीजेपी पर निशाना जरूर साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।